हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, कैसे हो सर? कैसे हो? हाँ, कैसे हो? चलो बर्थडे पार्टी में चलते हैं। चलो बर्थडे पार्टी में चलते हैं, वहीं पे केक बनाएंगे हम सब मिलके। सब मिलके केक बनाएंगे। हेलो बर्थडे। हेलो बेबी। हेलो बेबी। बर्थडे पार्टी माना। सब केक दे माना। आ जाओ चलो। फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से केक बनाते हैं वहाँ पे, वही दिखाएंगे आप लोगों को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और टाइप करना। चलो दिखाते हैं। चलो भाग 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 भागो 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 अरे भागो 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 दिखा दे। ईसा का नाचर दिखा दे। नाचर दिखा दे। दिखा दे तो नाचर दिखा। कौन दिखा? तू दिखा नाचर। कौन दिखा? शर्मा वे कौन दिखा? आगे दिखा तो ईसा का नाचर दिखा। कौन दिखा? मैं जाऊं जड़ा चल जी। क्या देखी आपने? तू नाच दिखा दे, चिन्ह से दिखा दे, थोड़ी सी थोड़ी सी। हाँ ये दिखा दे तो। कौन दिखा? अरे अरे मोनिका दिखा सी। मोनिका तू दिखा सी। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम बनाएंगे केक। इसके लिए हमने बिस्कुट लिए हैं इतने सारे, 40 या 50 रुपए के हम बिस्कुट लेके आए हैं। तो इनसे ही हमें जो केक बनाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी क्रीम मैं जो अलग निकाल लेंगे और फिर इनको जो मिक्सी में पीसेंगे अच्छे से। करीम को हम जो अलग तरीके से काम में लेंगे, इसलिए इनकी करीम को अलग निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी बिस्कुटों को खोल लिया है, धीरे धीरे करके खोल रहे हैं। तो आपको इस तरीके से जो इसकी करीम निकालनी है और फिर इस तरीके से मिक्सी में अच्छे से पीस लेना आप लोगों को भी। तो आज हम पड़ोसियों के घर हैं, वहीं पर इस बच्ची का जन्मदिन है, छोटी सी बच्ची का। तो वहीं पर केक बना रहे हैं सब मिल के। तो आप देखना कैसा बनता है हमारा केक। तो हमने सारे बिस्कुटों को है जो अच्छे से पीस लिया, फिर इनका एक घोल बना लिया, दूध डाल के इसका घोल बनाया है और इसमें है जो हमने चीनी भी डाली है और पास में हमने गर्म रख दिया है पानी, उसके अंदर हम बनाएंगे। पानी के अंदर एक छलनी भी रखी है और इस पेस्ट को है जो इस तरीके से एक ढक्कन में है जो निकाल लिया है। नीचे हमने जो तेल लगाया है ताकि हमारा केक है जो चिपके नहीं बिल्कुल भी। ये पेस्ट डालने से पहले आपको इन्नो डाल लेना है, इन्नो नहीं है तो सोडा है जो डाल लेना है। तो इस तरीके से किसी भी बर्तन में आपको अच्छे से सेट कर लेना है, इसको हल्का सा हिला लीजिए जब सारा पेस्ट है जो इसके अंदर चला जाए उसके बाद। और यहाँ पे हमने जो बर्तन में जो पानी चढ़ाया है और इसमें जो नीचे छलनी लगा के इसको ऊपर की तरफ रख दिया है और फिर ढक्कन लगा दिया है। और 10-15 मिनट बाद में हम चक्कू से चेक करेंगे कि हमारा केक है जो सिक रहा है या नहीं सिक रहा है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, 10-15 मिनट में आपको चेक कर लेना है। तो अभी हम जो चेक करेंगे कि हमारा केक है जो सिका है या नहीं सिका है, बनके तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं, चक्कू से आपको इस तरीके से चेक करना है। तो अभी हमारा केक है जो सिका नहीं है, अभी इसमें टाइम लगेगा, तो फिर दिखाते हैं आपको। तो फिर से इस पे जो ढक्कन लगा देंगे अच्छे से और 5 या 10 मिनट में फिर से चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करना आपको। तो चलो फ्रेंड्स, अब हमारा केक है जो बनके तैयार हो चुका है और हम दिखाते हैं किस तरीके से हमने हमारे केक का जो डेकोरेशन किया था। हम पूरा वीडियो नहीं ले पाए तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने अपने केक को है जो अच्छे से सजा लिया है।
आपको हमारा ये केक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना। तो हमने घर पे है जो कुछ ही रुपए में जो केक बनाया है, यदि इस तरीके से घर में आप केक बनाओगे तो जो क्या होगा कि पैसे की भी है जो बचत कर पाओगे आप लोग, तो आप अच्छे से देख सकते हो। एकदम नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने घर पे है जो किस तरीके से केक बनाया है। तो चलो अब बच्ची का वीडियो भी दिखाते हैं आपको। वीडियो तो नहीं लेकिन पिक ली हमने, वही दिखाते हैं आपको कौन सी बच्ची का है जो बर्थडे था। तो बच्ची है जो केक काट रही है अभी, तो इस बच्ची का है जो बर्थडे था। और यहीं पे आप देखोगे कि सब लोग है जो नाश्ता ले रहे हैं, यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही है, पार्टी कर रहे हैं सब लोग। तो पार्टी में जो समोसा ये सब दिया गया था सब लोगों को, सब लोगों का जो वीडियो नहीं बन पाया है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।